सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी काफी बढ़िया आपकी चल रही होगी। आप सभी को बता दें कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित एक और नोटिस यहां पे जारी हुआ है, उस नोटिस के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक अगर देखें तो जितने नोटिस जारी हुए हैं उन सभी नोटिस में हर बार अलग अलग डेट देखने के लिए मिली है। यानी कि अगर ऐसे कहें तो जनवरी में शायद ही कोई ऐसा दिन बचाओ जिस दिन से आपके फिजिकल का नोटिस ना आया हो। और दुख की बात सबसे ज्यादा यह है कि जितने नोटिस जारी हुए हैं वो सभी नोटिस ऑफिशियल हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि किसी ने फेक वायरल किया हो। तो ऐसे में दिक्कत ये होने लग गई है कि अब खुद में ही शर्मिंदगी फील होने लग गई है कि वीडियो बना के आपको बताया जाए या ना बताया जाए। मतलब समस्या विकट है। अब ये वाली समस्या है कि अगर वीडियो बनाओ तो खुद में शर्मिंदगी फील हो रही है और ना बनाओ तो फिर आप सभी कहेंगे कि आपने इसके बारे में अपडेट नहीं दिया। मतलब बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मतलब अब इसके बारे में कुछ ज्यादा ना कहा जाए तो ही ठीक है, लेकिन जो भी चीजें निकल के आ रही हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। क्योंकि मैं लगातार हमेशा एक ही चीज कहता हूं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं कि इसमें कुछ भी बदलाव होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी भर्ती बोर्ड हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि भर्ती करवा रहा है वो इस तरीके की नौटंकी ज्यादा करता है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस भर्ती में कुछ ज्यादा ही हो गई है, लिमिट से ज्यादा, कि हर बार एक नया नोटिस आ जाता है कि इस डेट से फिजिकल होगा। अभी एक और नया नोटिस आ चुका है, तो चलो आपको पूरी जानकारी देते हैं कि उस नोटिस में क्या कहा गया है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपसे पहले ही एक ही चीज कहूंगा कि हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ चेंजेस हो जाए। अगर वो चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा भाई, जैसे भी होगा। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मैं नोटिस बनाता हूं ना मैं फिजिकल करवाता हूं। मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा रोल बस इतना है कि मैं आपको अपडेट कर दूं ताकि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहो और बाकी की सारी चीजें छोड़ के जो भी आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि कभी भी फिजिकल हो आपको हमेशा रेडी रहना है। अब यहां पे अगर देखें तो ये नोटिस रिसेंटली अभी जारी हुआ है और इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुछ चीजें बताई गई है जिसमें आप सभी देखेंगे तो यहां पे कुछ नोटिस नंबर दे रखा है, मोस्ट यहां पे इमीडिएट दे रखा है, साथ ही में ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस दिल्ली दे रखा है, पुलिस हेडक्वार्टर जयसिंह रोड न्यू दिल्ली यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पे एक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पे किसके द्वारा जारी किया गया है वो दे रखा है और सब्जेक्ट दे रखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2023 थ्रू द एसएससी रिगार्डिंग फिजिकल एंड्योरेंस एंड द मेजरमेंट टेस्ट। अगर यहां पे देखेंगे सर विद रेफरेंस टू द हेडक्वार्टर डेटेड दे रखा है, नंबर दे रखा है यहां पे एक 17/10/2023 ऑन द सब्जेक्ट Above, I am to state that the recruitment to fill up 7547 post of constable executive male, 5056 female, 2491 in the Delhi Police 2023 is being conducted through the SSC as per the MOU signed between the SSC and Delhi Police and the standing order number यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे dated दे रखा है 31/12/2023 result of computer based examination has been declared by the SSC and the 86,049 candidate male इसमें दे रखे हैं इतने, female दे रखे हैं इतने have been shortlisted for the conducting of physical endurance and measurement test। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई MOU signed हुआ था दोनों के बीच में और एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7547 पोस्ट में जो भर्ती चल रही थी 31/12/2023 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। 86,049 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मेल 56,157 और फीमेल 29,892। इसके अलावा अगर यहां देखेंगे तो फिर सेकंड पैरा में दे रखा है इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द पीईटी एंड पीएमटी विल बी कंडक्टेड 16/1/2024 टेंटेटिवली एट द टू लोकेशन यहां पे दे रखी हैं। लोकेशन का नाम दे रखा है एक वजीराबाद हो गया, एक आपका झरोंदा कला हो गया, ग्राउंड एक्सेप्ट संडे एंड द यहां पे दे रखा है रजिस्टर्ड जो हॉलीडे होगा 9 वर्किंग डेज यहां पे दिया हुआ है। यानी कि यहां पे संडे को छोड़ के और जो रजिस्टर्ड आपकी छुट्टी होती है उन्हें छोड़ के 9 वर्किंग डेज में आपका जो है फिजिकल होगा वो चलेगा। साथ ही में यहां पे दे रखा है 2 ग्राउंड यहां पे दे रखे हैं और 6 ग्राउंड आप सभी को यहां पे दिए हुए हैं, तो अलग अलग यहां पे 6 ग्राउंड वगैरह, यहां पे 2 ग्राउंड आपके ये हो गए, यहां पे 2 लोकेशन दे रखी हैं, सॉरी वजीराबाद में आपके 6 ग्राउंड रहेंगे और जरोदा कला में 3 ग्राउंड रहेंगे, टोटल 9 ग्राउंड पे ही आपका फिजिकल चलेगा जो इस नोटिस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। फिजिकल कब से होगा? 16/1/2024 से आपके फिजिकल के बारे में जानकारी यहां पे दी जा रही है कि 16 जनवरी से 9 दिन तक 9 वर्किंग डेज में आपका ये जो फिजिकल होगा वो कंप्लीट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई यही चीजें दिखाई जा रही है कि यहां पे 16 जनवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आप सभी को पता है कि 15 जनवरी का भी एक नोटिस वायरल हुआ था, इसके अलावा 17 जनवरी का आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा 29
दिसंबर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी कि आपके जो फिजिकल होंगे अभी तक उसकी डेट 27 जनवरी है। तो इसके अलावा 15 जनवरी यहाँ डेट जारी हो चुकी है, 27 जनवरी हो चुकी है, 29 जनवरी हो चुकी है, फिर सॉरी 29 जनवरी तो अभी तक नहीं हुई, इसके अलावा 16 जनवरी हो चुकी है, इससे पहले भी और भी कई डेट आ चुकी है। तो कुल मिला के एक ही बात है कि आपको फिजिकल के लिए रेडी रहना, आप कभी भी फिजिकल हो। मैं डायरेक्टली इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ वेट करो अब एडमिट कार्ड का, कि एडमिट कार्ड जब आएंगे तब हम फिजिकल देने चल देंगे, बात खत्म, जब तक हम दौड़ते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। अब ये 16 को बुलाएं तो 16 को चले जाओ, 27 को बुलाएं तो 27 को चले जाओ, तो दोनों ही स्थिति में तैयार रहना है। बाकी का नोटिस भाई दिल्ली पुलिस जारी कर रही है और हम आप सभी को बता दे रहे हैं, बस इतना ही रोल है। उम्मीद कर दूंगी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये नोटिस मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा तो वहां पे भी आप देख लेना एक बार, जो भी कुछ चीज अगर आपको इसमें भी समझ में आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।